Hi, I am Naveen Tomar from Quest for Realty, your host for this video. और पिछला जो वीडियो हमने डाला which was about the recap of 2023 in गुड़गांव रियल estate, उसमें जो पहला एपिसोड था it was about द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उस वीडियो में लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, आप लोगों ने बहुत सराहा उसको और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि कुछ सेक्टर्स छूट गए हैं, जिसमें से सेक्टर 104 और 106 टॉप पे था। बहुत सारे मेरे को डीएम्स आए, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, तो उसी पॉपुलर डिमांड को लेते हुए हमने उसी का सीक्वल बनाया है। हालांकि हमने सोचा था कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो है वो किसी और माइक्रो मार्केट को लेके होगा, बट हमें द्वारका एक्सप्रेसवे का ही सीक्वल बनाना पड़ा ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर क्यूरियोसिटी। तो ज़्यादा समय आगे ना बढ़ाते हुए लेट्स गेट इनटू द डेटा ऑफ रीकैप 2023 ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर डिमांड से शुरू करते हैं, सेक्टर 104 गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 104 आर पुरी एमरल्ड बे, हीरो होम्स, एटीएस ट्रायम्फ एंड गोदरेज समिट। सेंट्रल पार्क को अभी हमने इस डेटा के अंदर कंसिडर नहीं किया है। द रीज़न इज सिंपल दैट इट इज स्टिल इन प्री लॉन्च स्टेज, रेरा अभी नहीं आया है उस वजह से भी। एंड देन सेकेंडली सेंट्रल पार्क इज ऑलवेज नोन फॉर लॉन्चिंग their project prices and launching projects at prices which are way higher than the market, जिससे कि average एस्टेब्लिश प्राइस को इम्पैक्ट होता है। आप सेक्टर का एवरेज प्राइस उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट से। तो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स का जो एवरेज एस्टेब्लिश्ड रेट है वो आज करंट सिनारियो में वो 8200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, जो कि जनवरी मार्च 2019 में 5900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। तो पिछले 5 साल में तकरीबन 42 to 45% का चेंज आया है एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस में। अब इसी का हम पिछले 1 साल का चेंज देख लेते हैं कि 1 साल का चेंज क्या आया है। तो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, प्राइसेस वर ऑलमोस्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस। ऑफ कोर्स कुछ नए लॉन्च आए थे जिनका प्राइस जो था वो मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा था, बट averages, this is how average works. उसके बाद में let's check about the next segment. Actually next segment की अगर हम बात करें तो यहाँ पे builder floors का बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और ना ही प्लॉट्स का डेटा अवेलेबल है, जिससे कि हम कोई निष्कर्ष पे निकल पाएँ या फिर एवरेज मार्केट एस्टेब्लिश प्राइस जो है हम वो चेक कर पाएँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज़ सेक्टर 106। तो चलिए नेक्स्ट पॉपुलर सेक्टर की तरफ चलते हैं, अगेन ऑन पॉपुलर डिमांड विच इज़ सेक्टर 106। तो 106 में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स आर एलान द प्रेसिडेंशियल विच इज़ अगेन माय फेवरेट एज वेल, गोदरेज मेरिडियन, पारस ड्यूज एंड एमआरजी क्राउन। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स में सिर्फ एक एमआरजी क्राउन आता है, बट दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्डोमिनियम काइंड ऑफ लिविंग, तो उसको मैं टिपिकल बिल्डर फ्लोर में काउंट नहीं करता। और प्लॉट्स दोनों की ही सप्लाई बहुत कम है, जिसके कारण सफिशिएंट डेटा नहीं है जिससे हम किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर निकल के आएँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आया है पिछले 5 साल में। तो सबसे पहले आते हैं एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस पे। तो जो एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस है इस सेक्टर का दैट इज़ समवेयर अराउंड 10,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फॉर फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। यही प्राइस जो है वो जनवरी मार्च 2019 में वाज अराउंड 5,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो पिछले 5 साल में तकरीबन 84% का चेंज आया है इस सेक्टर के अंदर इन टर्म्स ऑफ द फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। एज आई सेड कि बिल्डर फ्लोर्स की तो सप्लाई है नहीं, तो उसका हम डेटा चेक नहीं कर सकते। पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया इस सेक्टर में, प्राइसेस वर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो हमेशा हायर प्राइस पे लॉन्च होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से। फ्रेश जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च होते हैं, तो वो ऐसा हुआ। और इसी बीच में रीसेल भी आ जाती है पुराने प्रोजेक्ट्स की। सो दिस इज़ हाउ दी एवरेज प्राइसिंग समटाइम्स गेट्स हैम्पर्ड, बट जो नए लॉन्च थे ऐसा नहीं है कि उनके प्राइसिंग में कोई चेंज ना आया, उनके में रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट चेंजेस आए हैं। अगर आपको वो सेपरेटली चाहिए तो उसके बारे में भी मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा विच इज़ अबाउट अ सिंगल प्रोजेक्ट सेपरेटली। So let's move to the next popular sector of Dwarka Expressway, which is Sector 111 or Sector 111 Dwarka Expressway गुड़गांव। तो इस सेक्टर के पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, M3M क्राउन जिसकी वजह से काफ़ी बज़ में रहा है सेक्टर में, ताशी कैपिटल गेटवे एंड लोटस होम्स। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वैल्यू सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेजरली आपने M3M क्राउन का और डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का ही नाम सुना होगा। तो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एवरेज एस्टेब्लिश्ड प्राइस ऑफ दिस सेक्टर right now. So the average established price of this sector is 13,900, 13,900, almost 14,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास आ जाता है। और पिछले 5 साल में जो ये प्राइस है वो 78% इंक्रीज़ हुआ है। तो यही प्राइस जो है वो आज से 5 साल पहले जो प्राइस था इट वॉज समवेयर अराउंड 7700 रुपीज़ स्क्वायर फिट, जहाँ से वो 13,900 पे पहुँच गया है। इस सेक्टर की अगर खास बात करूँ तो पिछले 1 साल में और पिछले 3 साल में काफ़ी प्राइस चेंज आया है। इसमें पिछले 3 साल में भी ऑलमोस्ट 75% के आसपास का चेंज आया है और पिछले 1 साल में तकरीबन 36% का इसके अंदर चेंज आया है, 36.3% का चेंज आया है पिछले 1 साल में। बाकी इस सेक्टर में भी बिल्डर फ्लोर्स और प्लॉट्स की सप्लाई नहीं है। दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर अपार्टमेंट्स। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो जो नेक्स्ट सेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये काइंड ऑफ छुपा रुस्तम है द्वारका एक्सप्रेसवे का, क्योंकि ये चुपके तो नहीं एकदम तेज़ी से लेकिन बिना किसी की खास नॉलेज के बढ़ गया है और इसने भी काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ ली है। सो दिस सेक्टर इज सेक्टर 99। यस, यू विल बी सरप्राइज टू नो, बट इस सेक्टर में यू नो मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपका एसोटेक ब्लिथ, परिना एक्सप्रेस हाइट्स करके एक प्रोजेक्ट है जो कि मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और वाटिका सोवरेन पार्क है। तो ये सेक्टर वो है जिसको आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा भी, लेकिन आपने इस तरीके से बज़ में नहीं सुना होगा। बट लुक एट द फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। तो अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ, इनफैक्ट इसकी जो मेन ग्रोथ है वो 2021 के मिड से आई है। तो अगर जनवरी मार्च 2021 का मैं इसका प्राइस देखता हूँ तो उस टाइम पे इसका प्राइस था 4,000 रुपये पर स्क्वायर फिट एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस, जो कि आज पहुंच गया है 8500 रुपये एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस पे। तो 150% की ग्रोथ की है इसने। और यही नहीं, लास्ट के 1 साल में इसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है विच इज़ 37%। तो आप देख रहे हैं कि सेक्टर का कंसिस्टेंट जो है ना वो ग्रोथ में चेंज आया है। अब लेट्स मूव टू दी प्लॉट्स एंड लैंड। तो प्लॉट्स और लैंड की बात करूँ तो आज से 5 साल पहले यहाँ पे जनवरी मार्च 2019 में जो एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस था प्लॉटिंग का वो था 5350 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, विच इज़ रफली 48,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। तो 48,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट से ये आज 1,42,000 रुपये, सॉरी 48,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, प्लीज़ करेक्ट माई वर्ड, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई वर्ड। तो 48,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से जो प्लॉट का जो प्राइसिंग है हैज़ रीच टू ऑलमोस्ट 1,42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो ये भी 193.5% की ग्रोथ है विच इज़ फिनोमिनल। पिछले 1 साल में भी अगर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंज आया है, तो पिछले 1 साल में भी इसके अंदर ऑफकोर्स ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट लुकिंग एट कि स्टिल्ट +4 का जो पॉलिसी है वो अभी लिम्बो में है, हॉल्ट पे है, तो उसके बावजूद भी 14.4% का चेंज आया है। तो जनवरी मार्च 2023 में इसका जो प्राइस था वो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास था, विच इज़ रफली 1,30,000 रुपये गज, जिससे वो 1,42,000 रुपये गज पे आज पहुंच गया है। तो ये भी ग्रोथ ठीक है इन देखते हुए कि अभी जो स्टिल्ट +4 फ्लोर्स की जो पॉलिसी है वो लिम्बो में है। तो ये सेक्टर भी बड़ा छुपा रुस्तम टाइप का सेक्टर है जिसने 150% के आसपास की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ प्लॉटिंग में भी और फ्लैट्स में दोनों में ही ली है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेक्टर। उसकी भी ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर है विच इज़ सेक्टर 99A। सो अगला सेक्टर जो है वो सेक्टर है 99A ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ये भी काफ़ी अच्छा सेक्टर है बट अंडरडॉग सेक्टर है इस टाइम पे। ये पड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ दी पैरेलल रोड विच रन्स पैरेलल टू द्वारका एक्सप्रेसवे। इट इज़ अ 70 मीटर वाइड रोड। तो उनके बीच में इसमें काफ़ी चौड़े चौड़े रोड से इसके अंदर कनेक्टिविटी आती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स आर परीना कोबान हेयर एंड सत्या का एक प्रोजेक्ट है सत्या मरिनो, विच इज़ अ प्लॉटेड डेवलपमेंट, और यहीं पे अदानी वालों ने भी अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च की थी। तो ये सेक्टर में भी अभी जो है काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट देखें इसके पड़ोसी की तरह इसने क्या ग्रोथ ली है, पड़ोसी रातों रात अमीर हुआ है या फिर बहुत जल्दी अमीर हुआ है, तो इस पर क्या असर आया है उस चीज़ का। तो लेट्स लुक एट दी ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ दी फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स फर्स्ट। तो पिछले 5 साल में जो है इसने 87.3% की ग्रोथ करी है, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस सेक्टर। और आज का इसका जो एवरेज एस्टेब्लिश्ड प्राइस है वो है 7400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और यही प्राइस आज से 5 साल पहले जनवरी मार्च 2019 में था तकरीबन 4700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके बाद में इसकी पिछले 1 साल की ग्रोथ चेक करते हैं फ्लैट्स अपार्टमेंट्स की। तो पिछले 1 साल की ग्रोथ जो है वो है 23.3% रफली, जो कि जनवरी मार्च 2023 में जो इसका प्राइस था वो था 6250 रुपये पर स्क्वायर फीट, और आज ये प्राइस पहुंच गया 7400 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो बिल्डर फ्लोर्स का डेटा यहाँ पे भी नेग्लिजिबल है, नॉन एग्जिस्टेंट है, बिल्डर फ्लोर्स की यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। तो लेट्स मूव टू दी प्लॉट एंड लैंड सेगमेंट ऑफ दिस सेक्टर। तो यहाँ पे इनफैक्ट सारी जो ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में नहीं बल्कि पिछले 3.5 साल के अंदर आई है। तो जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें 2021 में यहाँ पे जो प्राइस था वो 8350 पर स्क्वायर फीट था, विच इज़ रफली 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, सॉरी 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो उससे ये पहुँच गया 11,650, विच इज़ रफली 1,05,000 पर स्क्वायर यार्ड। तो ये भी अच्छी ग्रोथ है, तकरीबन 40% की ग्रोथ है जो इसने पिछले 3 साल में पकड़ी है। अब देखते हैं कि पिछले 1 साल में क्या ग्रोथ है। तो पिछले 1 साल में 18.3% की ग्रोथ है। तो जनवरी मार्च 2023 में 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का इसका प्राइस था, विच इज़ रफली 99,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, जिससे कि 11,650 जो कि मैंने भी आपको बताया 1,05,000 रुपये गज के आसपास ये पहुंच गया है। तो इस सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल में जैसे ही स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी पे कोई चेंज आएगा उसका मेजर इम्पैक्ट प्लॉटिंग की प्राइस पे यहाँ पे भी आएगा। अगर आप देखोगे अभी हमने जितने वीडियो बनाए उनमें भी और आगे भी जो वीडियो बनाएंगे, प्लॉटिंग में पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। उसका सोल रीज़न सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की जो पॉलिसी है उस वो जो लिम्बो में है उसके कारण हुआ है। तो प्लॉट्स में पिछले 1 साल में चेंज नहीं आया है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय प्लॉट्स, क्योंकि जैसे ही वो चेंज आएगा उसके बाद में प्राइसिंग एकदम से काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दी लास्ट एंड दी फाइनल एंड दी शो स्टॉपर of this video is sector 112. This really deserves to be the showstopper of this video because इस सेक्टर ने भी एक्सेप्शनल ग्रोथ जो है वो शोकेस की है। तो अगर इसकी इनफैक्ट 5 साल नहीं, इसने 2020 से मिड ऑफ 2020 से ग्रोथ शो की है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो अप्रैल जून 2020 में इसका जो प्राइस था वो 6700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, जिससे आज वो 12,400 रुपये पे एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस पहुंच गया है। और उसके बाद में अगर पिछले 1 साल की ग्रोथ करें हम चेक करें तो पिछले 1 साल की ग्रोथ जो है वो इसकी ज़्यादा नहीं रही है, दैट हैज़ बीन 12.7%। तो जनवरी मार्च 2023 में इसका प्राइस था, एवरेज एस्टेब्लिश प्राइस था 10,950, विच हैज़ रीच टू 12,400 राइट नाउ। तो इसने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सेक्टर right next to Dwarka Expressway and opposite to Delhi Reserve Greens. It's a beautiful sector to live in. यहाँ पे इसकी ग्रोथ के पीछे भी एक प्रोजेक्ट है जो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ Experion Windchant, and what a beautiful project, टॉप नॉच प्रोजेक्ट। हमने इसका वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप उस वीडियो के उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ गुड़गांव। अगर आपको स्पेस चाहिए, इफ़ यू वांट टू लिव इन अ सीरीन एंड काम एनवायरनमेंट, तो इससे बेटर प्रोजेक्ट बहुत कम है गुड़गांव के अंदर। So this was it from us about Dwarka Expressway. We have tried to cover everything possible. फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और ये सब कुछ हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में जानने के लिए, फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर फ्लैशिंग नंबर पे आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं अगर आप कोई किसी सेक्टर या सेगमेंट के बारे में पता करना चाहते हैं। सो This is me signing off for today. Dasvidaniya.